हेलो बच्चों, आज एक जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ड्रैगोस रूल है। अब ये ड्रैगोस रूल क्या है भाई, कहाँ से आया भाई ड्रैगोस रूल, क्यों लगाएंगे ड्रैगोस रूल, तो समझने के लिए आप एक छोटा सा मेरा पहले क्वेश्चन समझो। मैं यहाँ पे ग्रुप 15 की हाइड्राइड ले रहा हूँ, NH3 PH3 आर्सेनिक हाइड्राइड एंटीमनी हाइड्राइड, ये सब ग्रुप 15 की हाइड्राइड है, ठीक है। तो यहां पे मैं NH3 बना लेता हूं, कुछ ऐसा दिखेगा NH3, ठीक है। PH3 भी सेम शेप का होगा, ठीक है। ज्योमेट्री सबकी सेम होगी क्योंकि सब सेम ग्रुप से आए हैं। ASH3 भी ऐसा ही, और ठीक है, और एंटीमनी हाइड्राइड भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है भाई, बन गया। हमने कहा आप इसको अरेंज करिए, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो यार बॉन्ड एंगल पे कैसे अरेंज करें, तो बच्चों ध्यान से देखो, सबकी ज्योमेट्री सेम है, सब में तीन बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, ठीक है। तो ज्योमेट्री सबकी सेम है, तो अब क्या चेक करो, सबके सेंट्रल एटम को देखो डिफरेंट है। तो रूल हमें क्या कहता है, मैंने आप वीडियो बनाया हुआ है बॉन्ड एंगल, फिजिक्स वाला सर्च कर लो मिल जाएगा। वैसे रूल हमसे क्या कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा, यानी ये जो एंगल है ये उतना ज्यादा होगा जितनी ज्यादा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप देखो सभी ग्रुप 15 से आए हैं, तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ग्रुप में नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। किसी भी ग्रुप में जब नीचे जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी। और रूल क्या कहता है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। तो डेफिनेटली इसका बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होगा, फिर इसका, फिर इसका, और सबसे छोटा इसका। ये चीज ऑब्जर्व भी की गई, इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल करीब करीब 93 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल करीब करीब 92 डिग्री, और इसका करीब करीब 91। ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, अप्रोक्स है, 94, 91.5 इस तरह की वैल्यूज होती हैं। अच्छा तो ठीक है, क्या दिक्कत है, सब बढ़िया है, रूल फॉलो हुआ है, फॉलो हुआ है कि नहीं, रूल तो फॉलो हुआ है। रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की जितनी ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। तो हमने देखा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज की और बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज किया। एक क्वेश्चन तो सिंपल यही हो जाएगा, आपसे पूछ ले इसको बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करो, तो आप बोलोगे ठीक है भाई अरेंज हो गया। अब यहां से एक नई कहानी स्टार्ट होगी, जो क्या है कि इन सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या कहानी आने वाली है कि इन सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो बच्चों अगर इन सबका हाइब्रिडाइजेशन हमको निकालना हो, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम चेक करेंगे कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो जो जेड की वैल्यू है वो है 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, 4 हो गया, 4 के लिए sp3। sp3 का जो आइडियल एंगल होता है वो तो है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो ये एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी 109 डिग्री, ये भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लोन पेयर आ गया, थोड़ा एंगल दब गया, चलो ठीक है मान लिया, वो बात भी 107। यार यहां पे जो डिक्रीज है वो बहुत ज्यादा है, आप देखो ये डिक्रीज जो है वो ओके है, 93 से 92, 92 से 91, इसको हम बिलीव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम धीमे धीमे कम हो रही है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम, इसकी इससे कम, इसलिए ये आया। पर ये जो डिक्रीज आपको दिख रहा है बहुत बड़ा है, 7-7 कितना हो गया, करीब 14 डिग्री का डिफरेंस, 13 से 14 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है। ये इतना बड़ा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो नहीं आया है, ऐसा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत खास डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है कि ये इतना बड़ा डिफरेंस दे दे, रेगुलरली ही डिक्रीज कर ली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये कहानी क्यों हुई, व्हाई दिस बॉन्ड एंगल डिक्रीज सो मच और यहां से डिक्रीज कम हो गया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा ड्रैगोस रूल, जो कि हमसे बोलेगा कि भाई सबका एंगल 109 होना चाहिए था, चलो माना लोन पेयर की वजह से बॉन्ड दब गए क्योंकि लोन पेयर रिपेल करता है बॉन्ड को, एंगल कम हो गया, ठीक है। यहां पे तो डिक्रीज भी सही है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल कम,
ये वाला डिक्रीज इतना ज्यादा क्यों है? तो एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि साहब कहानी कुछ और ही थी, PH3 बना कैसे जरा देखो। तो क्या कहानी हुई होगी? देखो यार 93 डिग्री का मतलब कुछ और ही है। जरा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 होगा कॉन्फ़िगरेशन। यानी लास्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है 3s2, 3p3, तो 3s में 2 और 3p में 3। कितने बॉन्ड बनाने हैं इसको? 3 बॉन्ड। एक px बना लेगा, एक py बना लेगा, एक pz बना लेगा। सिंपल। मान लो कि इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन ना हो, कोई मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ना हो, तब फास्फोरस 3 बॉन्ड कैसे बनाएगा? एक इसका px बनाएगा, ठीक है, एक इसका py बनाएगा और एक इसका pz बनाएगा। मतलब तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 90 90। भाई 3 बॉन्ड फास्फोरस को बनाने हैं और 3 ऑर्बिटल इसके पास अनपेयर्ड है। यहां 3 हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन कैसे आएगा? 1s1 लेके एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक और हाइड्रोजन आया 1s1 लेके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक और हाइड्रोजन आया 1s1 लेके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यार px ओवरलैप किया इससे, py इससे, pz इससे, और जो 3 बॉन्ड बनेंगे तीनों 90 डिग्री पे बनेंगे अगर हाइब्रिडाइजेशन ना हो तो। मतलब p का एक बॉन्ड यहां h से, एक बॉन्ड इस वाली पोजीशन में h से, और एक बॉन्ड इस वाली पोजीशन में h से, है ना। एक y में बना, एक x में बना, एक z में बना। अगर बॉन्ड ऐसा बनता बच्चों तो बॉन्ड एंगल कितना होता? 90 डिग्री, विच इज क्लोज टू दिस वैल्यू। मतलब कहने का यह है कि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है। अगर हाइब्रिडाइजेशन होता तो ये चारों मिल जाते और फिर कौन से ऑर्बिटल बनते? sp3 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 sp3, चार ऑर्बिटल बन जाते sp3 s। अगर ये मिल जाते तो चार ऑर्बिटल बनते sp3 sp3, और उनके बीच में एंगल कितना होता ये, है ना, करीब करीब कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। उससे तो ये एंगल बहुत ही कम हो गया है। तो यार कहानी ये है कि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं, और यही है ड्रैगोस रूल। यहां पे भी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, यहां पे भी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं। प्योर पी ऑर्बिटल्स, मेरी बात ध्यान से सुनो, प्योर पी ऑर्बिटल्स ने ये बॉन्ड बनाए। किसने बनाए हैं? प्योर पी ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बनाए हैं। देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये जो लोन पेयर है, ये जो 3s है, ये इन तीनों से मिक्स नहीं हुआ। यहां पे हुआ है मिक्स नाइट्रोजन में, यहां मिक्स हुआ है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। यहां मिक्सिंग होगी यार, देखो 2s कचाक कुचुक, 2p कचाक कुचुक, यहां पहले ये मिक्स हुए होंगे और चार नए ऑर्बिटल्स बने होंगे। नाम पड़ा होगा sp3 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 और इनमें बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री का, कम हो गया लोन पेयर की वजह से। पर यहां ऐसी कोई मिक्सिंग की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल ये बात सजेस्ट कर रहा है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन बहुत कम हुआ है, अगर हुआ भी है तो बहुत कम हुआ है। ये जितने भी बॉन्ड्स बनाए हैं 3 हाइड्रोजन से 90 डिग्री पे हैं। मतलब यार क्या यूज हुई है? प्योर पी ऑर्बिटल, दिस इज ड्रैगोस रूल। तो ड्रैगोस रूल क्या होगा? ड्रैगोस रूल कहां लगाना है, कब लगाना है और क्या कहता है? ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 में लगाना है। कहां कहां? ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 में लगाना है। पहले मेंबर पे नहीं लगाना है, दूसरे मेंबर से स्टार्ट होगा, चाहे ग्रुप 14 हो, 15 हो या 16 हो। अगर हम ग्रुप 14, 15, 16 के सेकेंड थर्ड फोर्थ मेंबर को देखें, अगर हम ग्रुप 14, 15, 16 के सेकेंड थर्ड फोर्थ मेंबर को देखें, तो हम ये पाते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री के आसपास है। और 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल तीन बॉन्ड में तब हो सकता है जब बॉन्ड एक px ने बनाया हो, एक py ने बनाया हो, एक pz ने बनाया हो। मतलब sp3 ऑर्बिटल्स की जरूरत ही नहीं है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, मतलब बॉन्ड बनाया है प्योर p ऑर्बिटल्स ने, एंड दिस इज ड्रैगोस रूल। क्लियर हो गया?
कहां कहां लगाना है, ग्रुप 14, 15, 16 कहां से लगाना है, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर और फोर्थ, इन तीनों में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। ये वाला बॉन्ड px ने बनाया, ये py ऑर्बिटल ने, ये pz ने, और ये किस में प्रेजेंट है, ये अभी भी s ऑर्बिटल में है। जो इनका लोन पेयर है वो s ऑर्बिटल में है, और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो sp3 ऑर्बिटल में है। डिफरेंस है इस बात में, इनका लोन पेयर s में है, इनका लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल में है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ है क्योंकि बॉन्ड एंगल 109 के क्लोज था काफी, मतलब सजेस्ट कर रही है बात कि हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा। इसमें बॉन्ड एंगल ऐसा है कि ऐसा लग रहा है px py pz ने बॉन्ड बनाया है, जरूरत ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन की। बॉन्ड एंगल बता रहा है कि हम 109 से बहुत पीछे हैं, वी डोंट रिक्वायर हाइब्रिडाइजेशन। तो ड्रैगोस रूल ये सजेस्ट करता है, कब सजेस्ट किया ड्रैगो ने, जब बॉन्ड एंगल देखा, ये देखा तो ये बोला। सब कहानियां हैं, पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन एक कहानी है, एक कहानी है हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा ऐसा हुआ तो साहब ऐसा होगा कि मान लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो इन्होंने कहा वो कहानी यार नहीं मानेंगे क्योंकि बॉन्ड एंगल 90। इन्होंने कहा ये 90 है तो मतलब वो कहानी अब मैच नहीं कर रही। अगर कहानी सही होती तो एंगल 109, 107, 105, 106, 104 होता ना, 93 तक कैसे गिर गया। तो इन्होंने कहा हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, प्योर पी ऑर्बिटल्स ने, px py pz ने बॉन्ड बनाया है, और जो लोन पेयर है वो प्योर s में ही रह जाएगा, जबकि अमोनिया का NH3 का लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल में। चलो इसी को और देखते हैं, समझते हैं इसको और। क्या फर्क पड़ा इससे, क्यों आया समझ में आया, क्योंकि बॉन्ड एंगल जो ऑब्जर्व हुआ बहुत कम हुआ, तो हम समझ गए कि sp3 ऑर्बिटल्स नहीं हो सकते, तो हम समझ गए प्योर p ऑर्बिटल्स। अगर हाइब्रिडाइजेशन कंफ्यूजन है तो ऊपर टाइप करें हाइब्रिडाइजेशन फिजिक्स वाला एंड सी दैट वीडियो। इसकी वजह से फर्क क्या पड़ेगा, तो मैं दो मॉलिक्यूल ले लेता हूं और डिफरेंस बताता हूं क्या पड़ेगा। ये NH3 और यहां मैं ले लेता हूं PH3, बस यहीं से डिफरेंस समझ में आ जाएगा। NH3 में क्या हुआ है हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फिर से जल्दी से देखो 1s2, 2s2, 2p3, तो 2s2, 2p3। अब यहां ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल 107 है जो कि 109 के करीब है, तो हम समझ गए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हमने 2s को और 2p को मिला दिया और मिला के चार नए ऑर्बिटल बना लिए। ठीक है, ये क्या है sp3, ये क्या है sp3, ये क्या है sp3, ये क्या है sp3, तीन sp3 ने बॉन्ड बनाए, एक sp3 में लोन पेयर है हमारा। ठीक है, मतलब यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, बॉन्ड किसने बनाया है sp3, sp3, sp3 ऑर्बिटल ने। यहां हमने देखा बॉन्ड एंगल कितना है 93, 94 डिग्री है, काफी कम है, तो हमने सोचा कि यार फास्फोरस का एटॉमिक नंबर चलो 15, कॉन्फ़िगरेशन करोगे लास्ट में आएगा 3s2 3p3, तो यार इतना कम बॉन्ड एंगल, अगर हाइब्रिडाइजेशन कर दूं मैं, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन कर दूं तो यार बॉन्ड एंगल तो यार फिर 109 के आसपास होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि यहां कोई मिक्सिंग नहीं होगी, लोन पेयर किस में रह जाएंगे 3s में, और बॉन्ड एक px बनाएगा, एक py और pz, इसीलिए तीनों बॉन्ड एंगल 90 के क्लोज हैं। थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ भी है, थ्योरी एकदम सही नहीं है क्योंकि एंगल 90 भी नहीं है, 93 है, तो ठीक है, हाँ थोड़ा सा मिक्सिंग हुई होगी पर इस लेवल की मिक्सिंग नहीं, और आगे जाते आते हाइब्रिडाइजेशन कम क्योंकि इसके बाद एंगल और कम। अब इससे फर्क क्या पड़ने वाला है, फर्क ये पड़ने वाला है कि ये लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल में है और ये लोन पेयर 3s ऑर्बिटल में है, यानी s ऑर्बिटल में है, लिख सकता हूं। किसी भी कंपाउंड के पास अगर लोन पेयर होता है तो उसको वो डोनेट कर सकते हैं, इन दोनों में से कौन ज्यादा लोन पेयर डोनेट करेगा, मेरा सवाल, विच विल डोनेट, विच विल डोनेट लोन पेयर ईजिली, सोच के आंसर देना, इन दोनों में से कौन ज्यादा लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। इसका लोन पेयर किसमें है sp3, इसका लोन पेयर किसमें है s। अगर आपको याद हो जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ s उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑर्बिटल। यहां पे s का परसेंट कितना है, परसेंटेज s, देखो sp3 तो s का परसेंटेज कितना हुआ 25%, 3p है एक s है तो चार हो गए, तो चार में एक का परसेंटेज 25, यहां परसेंटेज ऑफ s कितना है 100% पूरी तरह से है। दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल कौन सी है, ये वाली, दिस ऑर्बिटल इज
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. आई एम नॉट सेइंग दैट फॉस्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. नो नो नो, दिस ऑर्बिटल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस ऑर्बिटल इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. यहां ऑर्बिटल की बात हो रही है भैया. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा कि खींचना चाहेगा? देना चाहेगा, बिल्कुल नहीं. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, मतलब ये अपना लोन पेयर डोनेट जल्दी नहीं करना चाहेंगे. और ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. तो विच विल डोनेट लोन पेयर इजली? NH3. विच विल नॉट डोनेट? PH3. दैट्स वाई NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. इट इज अ गुड बेस, नॉट स्ट्रॉन्ग, इट इज अ गुड बेस. NH3 एक अच्छा बेस है, पर PH3 एक पुअर बेस है. बढ़िया सवाल बन सकता है. दोनों सेम ग्रुप से आते हैं, जस्ट बगल बगल में है. अमोनिया फॉस्फीन NH3 PH3. अमोनिया इज अ गुड बेस, PH3 इज अ पुअर बेस. व्हाई? ड्रैगोस रूल. किसका रूल लगाना है? ड्रैगोस रूल. फिर से रिपीट कर रहा हूं, ड्रैगोस रूल कहां पे लगाओगे? ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16. किस पे लगाओगे? सेकेंड मेंबर से. क्या कहता है कि सेकेंड मेंबर के पास जो बॉन्ड एंगल है वो 90 के करीब है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है. मतलब बॉन्ड किससे बने हैं? प्योर पी ऑर्बिटल से बने हैं. किससे बने हैं? प्योर पी ऑर्बिटल से बने हैं. कहता है जो लोन पेयर है वो किसमें है? प्योर एस में है. लोन पेयर किसमें है? प्योर एस ऑर्बिटल में है. और क्योंकि लोन पेयर एस में है, एस परसेंटेज जितना ज्यादा ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, तो ये लोन पेयर डोनेट नहीं होगा. एंड दैट्स व्हाई इट इज अ वीक बेस और अ पुअर बेस, एंड अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. क्लियर है एकदम? ये क्लियर. अच्छा, ये सोच रहे हो क्या? ये भी बता दूं, एस और पी में से न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज कौन है? एस न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, तो इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. इसलिए जितना ज्यादा एस का परसेंटेज, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब इस पे सवाल क्या मिल सकता है आपको? इस पे सवाल आपको क्या मिल सकता है? अभी ग्रुप 15 की बात की ना, ग्रुप 16 की भी बात कर लेते हैं. इसके बाद सवाल आपको क्या मिल सकता है? दैट NH3 प्लस HCl डाइल्यूट गिव्स NH4 प्लस Cl माइनस. ये एक बेस की तरह डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर गया, बट PH3 प्लस HCl डाइल्यूट डज नॉट गिव एनी रिएक्शन. व्हाई? तो आप बोलोगे PH3 क्या है? पुअर बेस है. कोई पूछेगा PH3 पुअर बेस क्यों है, तो कहानी समझानी पड़ेगी भैया कि PH3 का जो लोन पेयर है वो प्योर एस में है, और NH3 का जो लोन पेयर है वो किस में है? वो sp3 ऑर्बिटल में है. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर. ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहते और ये चाहते हैं. जैसे आपसे सवाल पूछ लिया NH3 plus H2O gives NH4OH, but PH3 plus H2O gives no reaction at room temperature. और ये कहानी रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, तो बोलेगा ऐसा क्यों? तो आप बोलोगे क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसके लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन हो रखा है, क्योंकि बॉन्ड एंगल 107 था जो कि sp3 के पास है. पर PH3 के लोन पेयर प्योर एस में है, क्योंकि बॉन्ड एंगल 93 था, तो हमें लगा कि PX, PY, PZ ने प्योर होके बॉन्ड बना लिया और एस से मिक्स नहीं हुए. क्लियर? That is the concept of Avogadro's rule. Clear एकदम? Sorry, Dragos rule. ये Avogadro में पिछला टॉपिक अभी states of matter पढ़ा रहा था, तो वो मेरे दिमाग में रह गया. मुझे माफ करना. माफ तुम लोग नहीं करते ना? हम तुमको माफ नहीं करेंगे. हम कमेंट करेंगे. हमें कमेंट करना है. लो आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने ही. चलो भाई, अब देखो ग्रुप 16 में. ग्रुप 16. स्वीट 16. ये हंसी सबके चेहरे पे. जैसे मान लो हम आपको दें H2O, H2S, H2SE, H2TE. O स्टाइल से तेल पॉलिश, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम. हमसे कहा बॉन्ड एंगल में अरेंज करो. क्या करो? बॉन्ड एंगल में भाई साहब अरेंज करो. तो अब तो सिंपल है, आपको पता है इसका बॉन्ड एंगल इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा. रीजन क्या बोलोगे? कि भैया सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा,
बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। तो आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक सल्फर ज्यादा उसी सेलियम, क्योंकि सब ग्रुप 16 से आए हैं, ऑक्सीजन सल्फर सेलियम टेलियम, और नीचे जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर, यहाँ से जितनी ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा। तो ठीक है, हमने बना लिया। एक्चुअल में बॉन्ड एंगल है कितना, तो ओ एच एच जुम्बारे जुम्बा जुम, एक्चुअल बॉन्ड एंगल ये वाला होता है करीब करीब 105 डिग्री के आसपास, 104 डिग्री 5 मिनट। H2S का जब बॉन्ड एंगल हमने देखा जो तुमको ये दिल को, तो ये फिर से जा रहा है 93-92 डिग्री के आसपास। यहाँ का बॉन्ड एंगल देखा हमने, तो ये फिर से 92 डिग्री के आसपास, और यहाँ का फिर से करीब करीब 90 के आसपास होता है, पर 91 लिख दे रहा हूँ, याद नहीं करना है आपको, यू डोंट हैव टू लर्न इट, आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो वही कहानी थी क्या, सबका हाइब्रिडाइजेशन, सबका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, जेड की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 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 sp3, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर 4 हुआ, 4 का मतलब sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन भाई सबका सेम है, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, पर अगर sp3 होता तो बॉन्ड एंगल 109 के आसपास होता, 105 107 103, ये तो बहुत पीछे चला गया। यहां से यहां कितना डिफरेंस हो रहा, 5 3 8 डिग्री का, और फिर डिफरेंस 1-1 डिग्री का है, फिर डिफरेंस कितना हो रहा है, 1-1 डिग्री का। तो ऐसा क्यों, तो वही कहानी है, क्या कहानी है कि यहां पे जो बॉन्ड बने हैं वो प्योर प्योर मेटल ने बनाए हैं, PX और PY ने, प्योर प्योर मेटल ने, या PY या PZ ने बनाए हैं। जैसे हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखें तो 8, तो 1s2 2s2 2p4, ठीक है, तो 2s2 2p4, 2 2 4 4 8, 1 2 3 चाकू, ठीक है। तो हमने बोला ये 2s और ये 2p, तो सब मिक्स हो जाएंगे, इसके बाद 4 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे, दो में लोन पेयर रहेगा, दो में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सबका नाम sp3 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 sp3। तो इसमें चारों ऑर्बिटल कौन सी हैं, sp3 हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए था, 109 डिग्री, पर आया 105 डिग्री, क्योंकि लोन पेयर ने दबा दिया, ये रीजन सफिशियंट होता है बताने के लिए, फिर भी क्लोज है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, फाइनली आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, यहाँ 2s2 2p4 है, तो यहाँ 3s2 3p4 आ जाएगा, तो 3s2 3p4, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल 93 है, तो हम समझ गए PY और PZ ने बॉन्ड बना लिया होगा बिना मिक्स हुए, अगर मिक्स हो जाते तो बॉन्ड एंगल इतना हो जाता, sp3 ऑर्बिटल्स में बॉन्ड एंगल 109 होता है। तो PY और PZ ने, मतलब ये PY ने बॉन्ड बनाया, ये PZ ने, प्योर p ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बनाया, प्योर p ऑर्बिटल्स ने, एंड देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। यही है बच्चों ड्रैगोस रूल, क्लियर हो गई बात। ग्रुप 14 15 16 में सेकेंड मेंबर से थर्ड फोर्थ मेंबर तक हमें हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि प्योर PX PY PZ के बॉन्ड एंगल हैं, भाई सब 90 डिग्री पे होते हैं PX PY, तो बॉन्ड एंगल सजेस्ट कर रहा था हमको कि हाइब्रिडाइजेशन एक तो कहानी है, पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में एक कहानी थी। तो हमने बॉन्ड एंगल देखा, हमने कहा कहानी गलत है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा, रीजन क्या देंगे हम, रीजन यही ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल मैच नहीं कर रहा। कंडीशन क्या है ग्रुप 14 15 16, दूसरी कंडीशन सेकंड मेंबर से कहानी स्टार्ट होगी, तीसरी कंडीशन एक लोन पेयर होना चाहिए, लिसन टू मी क्लोजली, तीसरी कंडीशन एक लोन पेयर होना चाहिए, और चौथी कंडीशन बॉन्ड एंगल 90 के आसपास ऑब्जर्व हो जाए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम ड्रैगोस रूल, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।